एक्सपीरियंस वर्क क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित उत्तर कुंजी का जो मैटर है उसका जो सुनवाई 3 जुलाई को सुनिश्चित हो गया है। हमारी भी डेट आ चुकी है। मैंने कल ही कहा था कि सोमवार या मंगलवार तक आ जाएगा, तो कल मेरा डेट शो कर गया है। जिनको भी देखना है वो डायरी नंबर से देख सकते हैं, मेरी डायरी नंबर मिली हुई है 13220। ये डायरी नंबर है। इसको डाल करके आप देख सकते हैं कि कितनी जो है डेट आ चुकी है। 3 तारीख को मेरा भी शो हो रहा है। अब इसमें दूसरी बात ये बता दे, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं लगभग सारे लोगों को रीट में डाले हुए हैं। सभी लोग जानते हैं कि रीट का खर्चा बहुत ज्यादा पड़ता है, लेकिन अपने साथियों को सुरक्षित रखने के लिए उनको रीट में ही फाइल डाल दिए, क्योंकि जो शुरू से आए हुए हैं उनको सुरक्षित करना जरूरी है। सभी जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं सबको उसी में डालेंगे। दूसरी बात यह है कि सुनवाई 3 को सुनिश्चित हो गई है और ईश्वर ने चाहा, हम शुरू से कहते हैं ईश्वर ने चाहा तो सफलता अवश्य मिलेगी। 3 जुलाई को बेंच भी बदलने वाली है। बेंच बदल जाएगा क्योंकि एक सप्ताह के लिए वो बेंच बैठी हुई थी, उसके बाद ये नया बेंच का गठन होगा। अभी आज जो है बेंच का गठन या कल का पता चल जाएगा किसके बेंच में जा रहा है। तो जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं वो कृपया करके धैर्य बनाए रखें, सफलता अवश्य मिलेगी। और वो भी बता रहे हैं कि वकील बहुत अच्छे जाएंगे। हम सार्वजनिक जल्दी नहीं करते हैं, हमने कहा था हम कोई चीज उतावलापन में नहीं करते हैं। सभी लोग पूछ रहे थे एसएलपी नंबर जो है नहीं आया, फिर भी जो है आपको डेट मिल गया, डेट की सुनवाई होगी। सेम मैटर होता है क्योंकि डबल बेंच में, हाई कोर्ट के डबल बेंच में सरकार ने हमको पार्टी नहीं बनाया था। तब हमने क्या किया था, हमने परमिशन अलाउ करा करके हमने सुनवाई कराया था, और जब परमिशन अलाउ होती है तो उसमें एसएलपी नंबर नहीं मिलता है। सरकार केवल 2 ही 3 लोगों को पार्टी बनाई थी, क्योंकि 300 याचिकाएं थी, 300 रीट पड़े हुए थे, सबको सरकार ने पार्टी नहीं बनाया, जानबूझ के नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि यदि ज्यादा लोग हो जाएंगे तो यह समूह ज्यादा पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो मुकाबला करना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। सरकार जानती थी, सरकार ऐसे लोगों को ही पार्टी बनाए जो संख्या कम रहे और मुकाबला करने में हमको आसानी हो। तत्काल जब हमको नहीं मिला हमारी जो है हमको पार्टी, सरकार ने नहीं बनाई थी डबलगंज में, तो हमको तुरंत जो है जज महोदय से मैंने परमिशन लिया कि सर हम भी पार्टी बनना चाहते हैं, तो परमिशन टू फाइल हुआ है, उसमें लिखा होता है परमिशन टू फाइल। जज महोदय ने हमको सहमत दिया क्योंकि मैं सुनवाई में डबल बेंच में था, वहीं पर था, मौजूद था, तो डबल बेंच ने सहमति दिया और रिटर्न आर्गुमेंट भी मैंने दिया डबल बेंच में। आज उसी का परिणाम है, ये सभी लोगों के सामने हमारी डेट भी आ चुकी है, ये शो कर रहा है। चाहे एसएलपी नंबर हो या ना हो से कोई लेना देना नहीं होता है, सुनवाई सेम होती है, सब कुछ सेम होता है। जो लोग नहीं लड़े होते हैं वो लोग नहीं जानते हैं, उन्हीं को आप बरगला सकते हैं। हम तो शुरू से लड़ रहे हैं, जो आज लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उनसे बहुत पहले से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। हम लोग उतावले पर नहीं होते हैं, डबल बेंच आ गया या जज आ गए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम शुरू से ही देख रहे हैं ये सारी चीजों को, तो हम शुरू से घबराने वाले नहीं है। बस ये है हम समय का इंतजार कर रहे थे, समय आने दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। अब समय आ गया है, मुकाबला करने का समय आ गया है। अब जो है 3 तारीख को सुनवाई होने वाली है। कल हमारी फाइल वकील साहब के पास पहुंच चुकी थी जिसको हम हायर किए हैं। कल हमारी निकल गई जो ही हमारी जो है डेट शो किया, क्योंकि डेट शो होने से पहले कोई फाइल लेता ही नहीं है, ये रूल है। पहले अनर्गल अलाप करना अलग बात है,
क्यों? क्योंकि उसके पहले जब डेट ही नहीं है तो हो सकता है उस डेट पे वो इंगेज हो, तो कैसे आप इंगेज करेंगे? तो कल हमारी इंगेज हो चुकी है मैडम। अब रही बात हमारी जो है, आज उनको जो है पूरी हम ब्रीफिंग कराएंगे, कल भी कराएंगे, दो दिन हमारे लिए रहेगा, कंटिन्यू ब्रीफिंग कराएंगे। तो जब ब्रीफिंग हो जाएगा और ईश्वर ने चाहा तो सफलता अवश्य मिलेगी, किसी को घबराने की जरूरत नहीं, बेंच भी बदल रहा है और कोई जो है हम अपराध तो कर नहीं रहे हैं, उत्तर कुंजी का मैटर लेकर के जा रहे हैं। केवल एक बार सुनवाई का हमको अवसर मिले तब हम बताएंगे कि कौन से प्रश्न कैसे हैं, कौन से प्रश्न क्या है, विवाद है। भाई जज महोदय जब सिंगल बेंच का उन्होंने दिया था तो उन्होंने तो निर्णय नहीं दिया था कि कौन से प्रश्न गलत है कौन से सही है, उन्होंने ये कहा था यूजीसी की कमेटी को गठन करने के लिए कहा था, एक्सपर्ट गठन करने के लिए कहा था, लेकिन डबल बेंच ने उसको सुपरसीड कर दिया। अब आप ये बता दें जब कोई संस्था परीक्षा कराती है तो क्या वो अपनी गलती मानेगी? नहीं मानेगी। डबल बेंच ने कहा जो परीक्षा कराता है वही संस्था ही सर्वोपरि होती है, एकदम गलत है। तो जब सिंगल बेंच ने यूजीसी को भेज दिया था कि यूजीसी अपनी रिपोर्ट दे कि कौन से प्रश्न गलत है, सरकार बौखला गई कि जब यूजीसी का रिपोर्ट आएगा तो कहीं ना कहीं हमारी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ही गलत हैं, बहुत सारे प्रश्न गलत आ रहे थे। और जब विशेषज्ञ आएंगे जो केंद्र के होते हैं, राज्य के नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मामला कोर्ट में जाएगा और यदि उनके पास भी उंगली उठी तो हो सकता है जो विशेषज्ञ होगा वो भी जब कोर्ट में उसको हाजिर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी उंगली उठती है, उसके प्रतिष्ठा का सवाल होने लगता है। इसलिए यूजीसी की जब रिपोर्ट आती तो एकदम सत्य सत्य सामने आ जाता, लेकिन सरकार भागी। सरकार को भागने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अब सरकार भाग गई तो उसके लिए भाई उसका अपना मैटर है, उसके पास विशेषाधिकार है क्योंकि चैनल बना हुआ, सिंगल डबल सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। हम तो ईश्वर से यही विनती करते हैं, यदि ईश्वर को हम साक्षी मानते हैं तो ईश्वर जरूर न्याय करे, क्योंकि हम गलत हैं ही नहीं, यदि गलत होते तो यहां तक नहीं आते। तो ईश्वर को हम साक्षी मानते हैं और ईश्वर ने चाहा तो अवश्य सफलता मिलेगी। अभी हम कह रहे हैं यदि नियम कानून जिंदा है, ईश्वर अभी भी जिंदा है, तो हम अवश्य सफल होंगे और सफलता अवश्य मिलेगी। कल जो है एक दिन पहले हमने कहा था वकील का जो है नाम बताएंगे, तो नाम अपने लोगों को अवश्य बता देंगे कि कौन से वकील जा रहे हैं, नाम जरूर हम शो करेंगे। और वो भी नहीं है, हम ये चाहेंगे कि ऑन रिकॉर्ड उनका चले, कि वो जो बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्डिंग हो, वो भी चले, उसमें जब ऑर्डर आए तो उनका नाम रहे। ऐसे हम करेंगे, कहेंगे कि आप उसमें जो आप बोल रहे बोलते हैं उसको लिखा जाए उसमें ऑर्डर में, नहीं खड़े होने से क्या लाभ मिलेगा, ये भी हम बोलेंगे। तो बातचीत चल रही है, बेंच बदल भी रहा है और 13 प्रश्न हम लेकर के गए हैं। हम कह रहे हैं 13 प्रश्न लेकर के गए हैं, जब सुनवाई होगी तब 13 होगा, लेकिन पहले हमको जज को कन्विंस करना है कि कहीं ना कहीं हमारी बातों को सुन ले, और जब कन्विंस होंगे तब हम 13 प्रश्नों को लेके जाएंगे, एक एक प्रश्न को हर स्टेप को रखेंगे कि यूजीसी ने क्या कहा था, जज महोदय सिंगल बेंच ने क्या था, डबल बेंच का कोई ऑर्डर ही नहीं है, केवल स्टे पे स्टे लगा दिए हैं और कुछ दिए ही नहीं है, तो सफलता अवश्य मिलेगी। बस 3 जुलाई का डेट सुनिश्चित हो गया है, सुनवाई हो जाने दीजिए। जब एक बार सुनवाई हो जाता है तभी पिक्चर क्लियर होता है कि आगे होने वाला क्या है। तो सभी साथियों से अनुरोध है एकदम सटीक जानकारी के लिए, कल ही मेरे पास फोन आने वाला है, आ रहा था कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, चैनल वाले कह रहे हैं कि 3 जुलाई को डेट नहीं है, इतने दुष्ट प्रवृत्ति के सब लोग हैं, डायरी नंबर मेरा है, सुनवाई मेरी है, डेट मेरा है, दूसरे लोगों को कहने की क्या जरूरत है? अरे भाई जो लड़ रहा है वो बताए तो ठीक है, जो इसमें शामिल है वो बताए तो ठीक है, जो नहीं शामिल है उसको अनर्गल अलार्म करने की क्या आवश्यकता है? बंद करे इन सब चीजों को, लोगों को गुमराह करने को बंद करे।
क्योंकि एक बेरोजगार छोटी सी सोचने लगता है बैठ करके और कहीं ना कहीं उसको मानसिक पीड़ा होती है। तो सभी लोगों से कह रहे हैं कि आप दूसरे की बातों को विश्वास ना करें, हमारा वेट करें। चैनल का सुबह मिलती है, दिन भर हम खाली नहीं रहते हैं, तो सुबह अपडेट आपको अवश्य ही मिलेगी। रेयर केस में एक दिन हम बिजी थे इसलिए नहीं मिल पाया, लेकिन आपको अपडेट मिलेगा ही मिलेगा और आपको अवश्य सफलता मिलेगी। देख लीजिएगा, हम कह रहे हैं कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी, तो मिलेगी, आप जीतेंगे तो जीतेंगे और आपको नौकरी भी मिलेगी, ये भी आप दावा कर रहे हैं। बस सुनवाई होने दीजिए। ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं कि मेरी सुनवाई हो, तो यदि सुनवाई होती है तो आप नौकरी अवश्य पाएंगे। तो ईश्वर से विनती करते हैं कि हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सबको नौकरी मिल जाए, सभी लोग सफल हो जाए। तो अभी भी कह रहे हैं यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।